हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें कई कमेंट और ईमेल मिल रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि अनवांटेड 72 लेने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे पीरियड ना आना, विड्रॉल ब्लीडिंग ना आना या विड्रॉल ब्लीडिंग में ज़्यादा ब्लड आना आदि बातों के बारे में हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति में हम यही कहेंगे कि आपको कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के अनवांटेड 72 का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट या नुकसान हो सकते हैं। उनमें से ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि ये अनवांटेड 72 प्रेगनेंसी रोकने के लिए कितनी असरदार होती है। तो यदि आप संबंध बनाने के 24 घंटे के अंदर इसे लेते हैं तो ये 95 यानी 95% जो है प्रभावी होती है। 24 से 48 घंटों के भीतर इसे लेने पर आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस 85% तक कम हो जाते हैं। इसी प्रकार 48 से 72 घंटों के बीच में इसे लेने पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस 58% कम हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इसका असर प्रेगनेंसी रोकने के लिए कम होता जाएगा। कुछ लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि उन्हें पीरियड की डेट से पहले ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा क्यों है। देखिए, अनवांटेड 72 के बाद पीरियड जैसी ब्लीडिंग होने को फेक पीरियड या हार्मोनल ब्लीडिंग या विड्रॉल ब्लीडिंग कहा जाता है, जो कि वास्तव में अनवांटेड 72 का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। विड्रॉल ब्लीडिंग अनवांटेड टैबलेट लेने के अक्सर पहले से 10वें दिन के बीच में होती है। ये ब्लीडिंग पीरियड जैसी दिखती है, लेकिन पीरियड से कम मात्रा में होती है, यानी हल्की होती है और कम समय के लिए होती है। विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है तो पीरियड अब कब आएगा। यदि आपका पीरियड लेट हो रहा है तो इतना ध्यान रखिए, विड्रॉल ब्लीडिंग जिस तारीख को बंद हुई है, अगला पीरियड अगले महीने के उसी तारीख के आसपास 3-4 दिन पहले या बाद में आ सकता है। यदि पीरियड ना आ रहा हो तो पीरियड लाने की मेडिसिन लेनी चाहिए, तो इसका उत्तर है नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं अपने आप से बिना डॉक्टर की सलाह के, तो ऐसे में पीरियड और ज़्यादा लेट हो सकता है या 1-2 महीने के लिए और मिस हो सकते हैं, या आपको दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। यदि पीरियड मिस हो जाए तो क्या करें, ये भी हमारे पास प्रश्न आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये पता करना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। अगला प्रश्न है कि यदि अनवांटेड 72 काम ना करे और प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या करें। यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, खासकर जब आप प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते। यदि विड्रॉल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग अनवांटेड 72 लेने के बाद आपको ज़्यादा हैवी हो रही है और रुक नहीं रही, तो ऐसे में आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या करें यदि विड्रॉल ब्लीडिंग ना हो। देखिए, अनवांटेड 72 के बाद ज़्यादातर विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। इसलिए आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं का सही पता आप टेस्ट लगाकर कर सकते हैं। अगर आपको घर में किए गए टेस्ट से तसल्ली नहीं मिल रही तो आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, अनवांटेड 72 का दूसरा साइड इफ़ेक्ट है स्किन एलर्जी होना। कुछ लड़कियों में स्किन एलर्जी होने की भी शिकायत होती है, जिसमें आपकी त्वचा पर लाल निशान पड़ सकते हैं, चकते हो सकते हैं या रैशेज या इरिटेशन की समस्या हो सकती है, खासकर जब आप धूप में निकलते हैं तो। इसलिए यदि आपकी स्किन सेंसिटिव टाइप की है तो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस गोली का सेवन करना चाहिए। दूसरा साइड इफ़ेक्ट अनवांटेड 72 का है कि इसे बार बार यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोटापा या वजन बढ़ने की शिकायत हो सकती है। तो यदि आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको अनवांटेड 72 की जगह कोई दूसरे गर्भ निरोधक तरीके अपनाने चाहिए। इसी प्रकार मूड स्विंग्स होना भी अनवांटेड 72 का साइड इफ़ेक्ट होता है, और यह समस्या गोली लेने के 48 घंटे के बाद देखने को मिलती है। यदि आपका मूड बार बार बदल रहा है और आपको तनाव और चिड़चिड़ाहट जैसी समस्या हो रही है, तब आपको घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अनवांटेड 72 लेने का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो पीरियड पर होता है। इस टेबलेट को लेने के बाद आपके हार्मोन में जो बहुत बदलाव आता है, जिससे पीरियड ना आना या मिस होना या पीरियड का अनियमित होने की समस्या हो सकती है।
ऐसा अधिकतर तब होता है जब आप एक हफ्ते में एक से ज़्यादा बार टैबलेट का सेवन करती हैं या फिर एक महीने में 4 बार आप अनवांटेड 7T का प्रयोग करती हैं। इस स्थिति में आप पीरियड जल्दी लाने के लिए घरेलू उपाय जैसे अदरक की चाय का इस्तेमाल कर सकती हैं या डॉक्टर से पीरियड जल्दी लाने वाली दवा भी ले सकती हैं। इसी प्रकार बार बार अनवांटेड 72 का सेवन करने से आपको अंडाशय, गर्भाशय आदि प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यह भी अनवांटेड 72 ज़्यादा लेने का साइड इफ़ेक्ट है। अनवांटेड 72 का बार बार इस्तेमाल करने से आपके शरीर में हार्मोन जो लेवल होते हैं उसमें बदलाव या असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे एक्ने, पिंपल्स, कमजोरी, स्तन में सूजन आना, जी मिचलाना, सर दर्द होना, उल्टी आना, बाल झड़ना, पेट में गड़बड़ी रहना, मानसिक तनाव आदि। कभी कभी अनवांटेड 72 का प्रयोग करने से आपको एटोपिक प्रेगनेंसी की समस्या हो सकती है, जिसका इलाज ना मिलने पर यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। क्या अनवांटेड 72 लेने से भविष्य में प्रेगनेंसी में समस्या हो सकती है? तो इसका उत्तर यही है कि यदि आप अनवांटेड 72 बार बार ले रहे हैं तो भविष्य में आपको प्रेगनेंसी पाने में समस्या हो सकती है, क्योंकि ऐसा इस टैबलेट के हार्मोन के साइड इफ़ेक्ट के कारण होता है, जिससे आपको अनियमित ओवुलेशन होने की समस्या हो जाती है, जिसके कारण फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसी पाने में या माँ बनने में दिक्कत भी आ सकती है। अनवांटेड 72 टैबलेट इसके अलावा कई दवाइयों से रिएक्शन कर सकती है, जैसे एंटीबायोटिक्स, टीबी में ली जाने वाली मेडिसिन, कुछ जड़ी बूटियां जैसे सेंट जॉन वॉर्ट आदि। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको यह टैबलेट लेनी चाहिए, खासकर जब आप कोई दूसरी दवा ले रहे हों। इसके अलावा डॉक्टर से सलाह करना तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब आप प्रेग्नेंट हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या डायबिटीज़ की समस्या है या आपको अनवांटेड के साल्ट से जो है एलर्जी की समस्या हो, आपको लीवर या स्तन कैंसर की समस्या हो या आप स्तन पान करवाने वाली महिलाएं, तो इन सभी स्थितियों में आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही अनिवार्य होता है यदि आपको अनवांटेड के साइड इफ़ेक्ट्स से बचना है तो। इसके अलावा यदि अनवांटेड लेने के बाद आपको बेहोशी, बहुत तेज पेट दर्द, सांस लेने में परेशानी, जीभ में सूजन, शरीर पर चकत्ते या निशान पड़ना जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, आज आपने जाना कि अनवांटेड 72 के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या समस्याएं आ सकती हैं के बारे में जानकारी हमने आपको दी है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।